नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एक्साइटिंग वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी टेक लवर्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मेरे पास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो बिल्कुल मिस मत करना है वीडियो को। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आप सभी यूज़र्स के लिए आ रही है जो नए नए स्मार्टफोन्स खरीदने के लिए एकदम बेकरार रहते हैं। तो गाइज़ अभी आज बजट था आप सभी को पता है 2021 का, तो अब फ़ोन्स थोड़े से और महंगे हो सकते हैं। आई नो सुनने में थोड़ा सा आप लोगों को डिसहार्टनिंग लग रहा होगा, लेकिन फ़ोन अब थोड़े से महंगे हो सकते हैं क्योंकि कई चीजों पर ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी निल से 2.5% तक अब लगेगी। अब एनालिस्ट तो ऐसा बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत छोटा सा हाइक होगी स्मार्टफोन प्राइसेस में और कई कंपनियां इजीली मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि अब क्या हो गया है, क्योंकि जो कई कंपनियां हैं वो ऑलरेडी लोकली सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो उनका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, और वैसे भी आजकल चार्जर वार्जर हट ही रहे हैं स्मार्टफोन के डब्बे से, तो मुझे लगता है वो भी एक कॉस्ट कटिंग वाला फैक्टर है। अब अगर बजट स्मार्टफोन में भी आपको चार्जर्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है प्राइस कम होना ही चाहिए, क्योंकि कॉस्ट कटिंग हो ही रही है। तो मुझे ऐसा लगता है स्मार्टफोन का प्राइस बढ़ेगा और अगर चार्जर्स कम होते हैं बजट स्मार्टफोन से भी, और एनालिस्ट भी ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, तो जो प्राइस पे अभी आपको स्मार्टफोन मिल रहा है ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं कब तक ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, कब तक आपको स्मार्टफोन के एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन के प्राइसेस महंगे देखने को मिलते हैं। बाय द वे, ये जो बजट है 2021 का, ये स्मार्टफोन्स पर 2 फरवरी से यानी कि कल से लागू हो जाएगा, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। बाकी मुझे लगता है उतना फ़र्क आना नहीं चाहिए, बाकी थोड़े बहुत अगर स्मार्टफोन के प्राइसेस में चेंजेस आएंगे तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता दूंगा। तो बिल्कुल भी डिसहार्टन मत होइएगा ये सब सुनकर, थोड़ा बहुत अगर फ़र्क आएगा तो 500,000 रुपये का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा मुझे ऐसा लगता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन 5G वेरिएंट की। तो भाई ये फ़ोन भी बहुत जल्दी आने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता है सैमसंग का गैलेक्सी S20 FE एडिशन बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया था, तो इसी फ़ोन का अब एक 5G वेरिएंट भी सैमसंग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली है। अगली खबर आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप से मांगी है रिपोर्ट और पूछा है दिखाओ भाई क्या आप हमारे लोगों का UPI डेटा फेसबुक के साथ शेयर करते हो। तो व्हाट्सएप ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है, बट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है तो देना तो पड़ेगा ही। तो देखते हैं भाई, कहीं हमारा UPI डेटा भी तो शेयर नहीं होता फेसबुक के साथ, होना तो नहीं चाहिए। बाकी व्हाट्सएप फेसबुक एक ही बात है, होता होगा तो भाई अब पता चल ही जाएगा कुछ दिनों में। अगली खबर आ रही है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन 12 प्रो मैक्स की तरफ से। तो भाई इन दोनों स्मार्टफोन्स में बेसिकली ड्रॉप टेस्ट किया गया था और आपको रिजल्ट्स सुनकर हैरानी होगी। आपको पता है एप्पल बोलता है कि उनके आईफोन 12 प्रो मैक्स में सिरेमिक शील्ड लगी हुई है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल हमने यूज़ करा है अपने आईफोन में, जो इजीली ब्रेक नहीं होता। और सैमसंग तो भाई बोलती है कि हमारा भी बहुत तगड़ा ग्लास है, हमारा भी नहीं टूटता। तो इन दोनों ही फ़ोन का बेसिकली ड्रॉप टेस्ट किया गया था और काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद दोनों ही फ़ोन ब्रेक हो गए। जो एप्पल का डिवाइस है वो स्क्रीन की तरफ से ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन जो पीछे का ग्लास होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो ग्लास होता है जहाँ पे मैट टेक्सचर आपको देखने को मिलता है, यहाँ से ब्रेक हो गया, स्क्रीन की तरफ से ब्रेक नहीं हुआ। और जो गैलेक्सी S21 था वो पीछे की तरफ से ब्रेक नहीं हुआ, आगे की तरफ से ब्रेक हो गया। तो अब आप अपनी चॉइस चुन सकते हो, यही सोचकर कि आपको एंड्रॉयड लेना है iOS लेना है और आपके लिए स्क्रीन मैटर करती है या पीछे की खूबसूरती मैटर करती है। भाई मुझे लगता है एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स जीत गया है, क्योंकि यार पीछे से टूटा है, पीछे से चल जाता है, एटलीस्ट स्क्रीन को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। आप कंटेंट देखोगे तो आपको स्क्रीन पर कुछ नहीं पता लगने वाला, पीछे से टूटा है। पीछे से तो यार नॉर्मली हमारे दोस्त लोग तोड़ लेते हैं अपना फ़ोन ऐसे ही, तो सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा आगे से टूट गया था। तो आप मुझे बताना अपने राय अपने कमेंट्स नीचे। अगली खबर आ रही है आईटेल की तरफ से। तो आईटेल ने लॉन्च कर दिया है आईटेल A47 बजट स्मार्टफोन, और काफ़ी बेसिक सा ही फ़ोन है, बहुत सस्ता फ़ोन है, सिर्फ 5,500 रुपये का फ़ोन है। और ये फ़ोन उन लोगों को टारगेट करता है जो पहला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, या फिर आप किसी को भी अगर कोई स्मार्टफोन गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप ये स्मार्टफोन गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि 5,500 रुपये का स्मार्टफोन है, 2GB रैम है, 32GB स्टोरेज है। और इसकी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो कराया, तो आप लोग चेक कर सकते हो। 5,500 रुपये का फ़ोन है, बेसिक सा फ़ोन है, 5 मेगापिक्सल का पीछे आप लोगों को डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, दोनों ही 5 मेगापिक्सल के। आगे फ्रंट जो सेल्फी कैमरा है वो भी 5 मेगापिक्सल का है, और दोनों ही तरफ फ्लैश मिल जाता है, पीछे भी आगे भी। तो फ़ोन ठीक ठाक है ओवरऑल,
5,000 रुपए के हिसाब से ठीक ठाक है। 5,000 रुपए में आप स्नैपड्रैगन तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। और 5,000 रुपए में आपको 8 GB RAM भी नहीं मिलेगी, 4 GB RAM भी नहीं मिलेगी। तो बेसिक सही फोन है। अगर आप घुसना चाहते हो स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में, स्मार्टफोन में, तो आप इस फोन को ट्राई कर सकते हो। बाकी वीडियो देख लो मेरी, आप लोगों को पूरा आइडिया लग जाएगा। कैमरा वगैरह ज्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत बेसिक सा फोन है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है पोको X3 Pro के बारे में। तो इसका भी लॉन्च कंफर्म्ड हो गया है और भाई ये भी कई सर्टिफिकेशन साइट्स पे पकड़ा गया है। गारंटीड पोको X3 Pro कुछ टाइम में लॉन्च होने वाला है, पोको X3 Pro। तो गाइज आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वैसे तो मेरे पास आप सभी के लिए और भी न्यूज़ हैं, लेकिन यही सारी न्यूज़ मुझे लगता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं और मज़ा आ गया होगा आप लोगों को सुन के। और आप लोग मुझे बताना यार iPhone 12 Pro Max, ये तो खैर 11 Pro है, iPhone 12 Pro Max या फिर Samsung Galaxy S21 Ultra, आप किसको पिक करोगे ड्यूरेबिलिटी के मामले में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। सावधान रहें, सतर्क रहें, वंदे मातरम। सावधान इंडिया वाला इंट्रो आउट्रो।